सो काफ़ी बंदे मुझे कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि आप कौन सी डिवाइस के ऊपर खेलते हो। तो गाइज़ इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर गेम प्ले वीडियो बना दूंगा जिसमें हैंड कैम भी आप लोगों को दिखा दूंगा एंड डिवाइस का नाम भी बता दूंगा। इसके लिए आपने करना क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर लेना ताकि आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा सा शुरू में अपनी डिवाइस के बारे में बताने वाला हूँ कि भाई ये एंड्रॉयड डिवाइस है। आप लोग यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी देख लीजिएगा, सामने बिल्कुल मस्त मक्खन हेड लगते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर ये आता है। सो गाइस आज हम खोलने वाले हैं अपने वर्ल्ड के बंडल, जितने भी बंडल्स मैंने जमा किए हैं पिछले 2 या 3 मंथ के अंदर या उससे भी पहले जितने भी कर लो, बिकॉज इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बंडल्स ओपन किए थे। और हाँ, इस वीडियो में 500 डायमंड्स का गिव अवे है। सो आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैंने आर्टिक का सेकंड वाला बंडल, आर्टिक इनक्यूबेटर था, आर्टिक इनक्यूबेटर का सेकंड वाला बंडल मैंने कब ओपन किया। बंडल से याद आया कि एक न्यू बंडल आया है सुपर जो के नाम से फेडेड व्हील में, बहुत ही अमेजिंग बंडल है, मैंने तो निकाल लिया। आप लोगों में से किस किस बंदे ने निकाला है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और कैसा बंडल है आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिए। मेरी बात करो तो मुझे तो ये उस बंडल के जैसा सिमिलर लगा जैसे काफ़ी देर पहले जब हम रैंक मैचेस खेलते थे तो वहाँ पर ट्राउजर शर्ट मिलता था ग्रीन कलर में जो काफ़ी अमेजिंग था, बनी वाले इवेंट में आया था, ये थोड़ा बहुत उससे मैच होता था बट ये काफ़ी अपग्रेडेड है। तो गाइस मैंने तो निकाल लिया। सो गाइस अभी चलते हैं हमारे बंडल्स की तरफ के भाई कौन कौन से बंडल हमने खोलने हैं, और आप लोगों के लिए जो 500 डायमंड का गिव अवे है वो आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर प्राइस पूल में प्रोवाइड करूँगा। आप लोगों ने गेस करना है कि कितने, मतलब लाइक पूरी वीडियो का मुझे वहाँ पे स्क्रीनशॉट देना है कि भाई इतने मिनट पे आप लोगों ने आपने ये वाला बंडल ओपन किया, मतलब 1 मिनट और 30 सेकंड या फिर 2 मिनट और 30 सेकंड, वो जितने भी है अलबत्ता खैर आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट ज़रूर से देना है। तो गाइस ये बंडल है मेरे पास जो पड़े हुए हैं अनबॉक्स करने वाले, 91 काउंट होने हैं बट ये कुछ कुछ बंडल मेरे पास 5-5 बार हैं या 3-3 बार हैं, सो ये टोटल ऑलमोस्ट 100 बंडल बन जाते हैं। और इनमें से कुछ बंडल तो मेरे पास पहले से ही मौजूद हैं, सो ये कुछ इनक्यूबेटर्स के बंडल जो मेरे पास ऑलरेडी निकले हुए हैं और फिर से भी निकले हुए हैं, और ये आर्टिक वाला बंडल इसकी मैं बात कर रहा हूँ। जब ये मैं ओपन करना है तो आप लोगों ने मुझे याद से बताना कि भाई जैग भाई आपने ये बंडल इस टाइम पे ओपन किया और लाए मेरा गिव अवे मुझे दें, और इंशाल्लाह जिसको भी 500 डायमंड मिलेंगे वो उसको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी करूँगा। सो गाइस सीन ये है कि इसके अलावा भी ये जो मेम्बरशिप से मिलती हैं वो वाले मेरे पास क्रेट्स वगैरह पड़े हुए हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी बंडल्स हैं जो इनबॉक्स में हैं। चलो गाइस देख लीजिए, आप लोगों ने एक दफ़ा अच्छे से देख लिया, अब इनको ओपन करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे पहला बंडल हमारा लड़की कैश को करती हूँ ओपन, और सेकंड बंडल रैम्पेज 2022 में जो इवेंट आया उसका बंडल था। अब लड़कियों के बंडल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सारे हैं तो इन सबको अनबॉक्स करते हैं, स्पीड स्पीड में अनबॉक्स करते हैं। और ये काफ़ी एलीट पासेस के मेल और फीमेल बंडल्स भी हैं जो मैंने अभी तक नहीं ओपन किए थे, तो अभी हम अपने वॉल्ट में इजाफा कर रहे हैं, मतलब जितने बंडल्स ओपन मैं करूँगा वो सारे मेरे वॉल्ट में ऐड होते जाएंगे और वॉल्ट उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो ये बड़ा बंडल भी खोल लेते हैं, ये भी बंडल खोल लेते हैं, जितने भी बंडल आते जाते हैं। आप लोगों ने याद से ये ना हो मेरी बातों के चक्करों में आप लोग भूल जाओ कि मैंने कब आप लोगों को बोला था और आप लोगों ने वो स्क्रीनशॉट लेना था या फिर मुझे टाइमिंग मैंशन करनी थी कि इस टाइम पर आपने ये वाला बंडल खोला। और गाइस रैंक पुश कौन कौन कह रहा है, कौन कौन ग्रैंड मास्टर जा रहा है इस दफ़ा वो आप लोगों ने मुझे लास्ट वीडियो में भी नहीं बताया, और जो लोग मेरे साथ खेलना चाहते हैं उन लोगों को मैंने सब एडवांस में अपनी UID दिखा दी थी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी UID मैंशन है, आप लोग मुझे रिक्वेस्ट भेज सकती हो, मैं रैंक पुश करवाता हूँ जब खेलता हूँ, जब बंदा नहीं होता तो मैं ऐड करके जितना हो सके रैंक पुश करवा देता हूँ। सो गाइस सीन ऐसा है कि ये सारे बंडल अभी ख़त्म ही नहीं हो रहे, स्पीड स्पीड में मैं ओपन कर रहा हूँ, वीडियो को भी मैंने फास्ट कर दिया है। सो यहाँ पे वीडियो काफ़ी छोटी सी, वीडियो एंड तक देखिएगा। और गाइस अगेन बोल रहा हूँ, जिन बंदों ने चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है वो लोग बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज ऐसे ही आगे इन फ्यूचर में गिव अवे भी लाने वाला हूँ और रिडीम कोड्स भी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। और आप लोगों का जो अभी ये आर्टिक वाला सीन है ये भी आप लोगों को इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब के अंदर तो मैं कैसे प्रोवाइड करूँगा, बंदे से बात नहीं कर सकता, इंस्टाग्राम के ऊपर ही मैं बात आप लोगों से कर सकता हूँ। तो ये बंडल तो ये अभी मेरे पास मनी हिस्ट वाला भी बंडल पड़ा हुआ था, और ये इनक्यूबेटर का बंडल भी, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी पुराना बंडल था फील्ड व्हील का, मे भी ये एलीट पास का बंडल, और ये भी इनक्यूबेटर, ये भी इवेंट का बंडल, उसके बाद ये, और यहाँ पर उसके अलावा आर्टिक की बारी आएगी। खैर यहाँ पर 4:22 मतलब 4:22, और ये तो आप लोगों को मैंने खुद ही बता दिया, खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों में सबसे पहले जो बंदा आएगा वो पहले पाएगा। सो सीन ऐसा है कि उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा सारे ये बंडल्स मेरे पास जो बड़े हैं इन सबको अनबॉक्स करते जाते हैं कुछ बंडल जो मेरे पास जो पहले से हैं उनको हम अनबॉक्स नहीं करेंगे क्योंकि फ़ायदा तो है नहीं उनको अनबॉक्स करने का। और यहाँ पर ये जी ये वाला बंडल भी खोल लेते हैं, उसके अलावा ये भी फ्री का बंडल है इसको भी खोल लेते हैं, ये भी फ्री का बंडल है, उसके बाद ये इसको खोल लेते हैं, ये भी फेडेड व्हील है, उसके बाद इसको भी खोल लेते हैं, और ये लड़की का बंडल इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं,
और ये जी करेक्टर का बंडल है इसको भी ओपन कर लेते हैं, ये भी लड़की का एक बंडल है, उसके बाद ये भी एक करेक्टर बंडल है इसको भी अनबॉक्स करते हैं। और ये एफएफ टोकन वाला था, ये पहले से था गलती से ओपन हो गया, और ये मैजिक क्यूब का पुराना बंडल और इसको भी खोल लेते हैं। और ये ऑलमोस्ट बाकी जो बंडल हैं उनमें से काफ़ी बंडल तो मेरे पास पहले से हैं, ये भी एलीट पास के दोनों बंडल्स हैं, और इसके अलावा ये बंडल मेरे पास पहले से नहीं है तो इसको खोल लेते हैं। उसके अलावा ये इसको भी खोल लेते हैं, ये भी करेक्टर का बंडल है। और इसके अलावा कौन सा, ये भी पहले से नहीं है, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और बाकी के बंडल ऑलमोस्ट, ये भी करेक्टर का बंडल था एक, ये भी पहले से ओपन नहीं है, तो जो जो पहले से हैं उनको हमने नहीं किया, और जो नहीं है उन सारे हमने ओपन कर दिया। तो ये बैनर अवतार का एक था, सो इसके अलावा एक और बैनर अवतार है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और इसके अलावा ऑलमोस्ट जो बंडल सारे हैं पड़े हुए, ये मेरे को पहले से मौजूद हैं, सो इनको हम ओपन नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। और हाँ, अब ये देखिएगा आप लोगों को एक अच्छी खासी लुक जो है यहाँ पे देखेंगे गाइज, कैसे ही बंडल्स शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, लेवल है कि नहीं चेक करें आप, सारे बंडल फुली शाइन में चमक रहे हैं। मतलब जो जो बंडल अभी हमने अनबॉक्स किए हैं उन सब के आप लोग शाइन चेक कर रहे हैं, मतलब फुली लश मार रहे हैं, मतलब गोल्ड जैसे नहीं होता चिपकाया होता है। साइडों पे इनके कॉर्नर्स चेक करिए आप लोग, मतलब इतना हैवी व्यू आ रहा था, मेरे तो हाथ में फ़ोन था तो मुझे पता है कितना हैवी व्यू आ रहा था, आप लोगों को शायद नहीं पता, बट यहाँ पर चेक करिए कितना ही हैवी किस्म का व्यू आ रहा है। और इसके अलावा जो बाकी की चीज़ें भी हैं वो भी सबके ऊपर रेड डॉट आ रहा है, मतलब उनके अंदर भी जितनी भी चीज़ें गई हैं वो सारी भी इस तरह शाइन कर रही हैं। बाकी ऑलमोस्ट मेरे पास पहले से इतने बंडल्स हैं, मैं वो तो पहनता नहीं हूँ, अभी मैंने ये भी ओपन कर लिए हैं। पहनता मैं एक दो बंडल पहन कर ही खेलता हूँ, ज़्यादातर मैं ड्रेसिंग चेंज नहीं करता क्योंकि गेम में काफ़ी कम खेलता हूँ, बस 4-5 घंटे रैंक पुशिंग। उसके अलावा आप लोगों से जो अच्छी से वीडियो के लिए टाइम देना होता है, काफ़ी टाइम लगता है वॉइस ओवर पर, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो यहाँ पे आप लोग मेरा कलेक्शन के ऊपर भी एक नज़र डालो कि कैसा कलेक्शन है जैक भाई की। अगर नूब सा कलेक्शन है, इतना अच्छा कलेक्शन नहीं है, फिर भी आप लोगों को कैसा लगे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बता दीजिए। अगर आप लोग कमेंट नहीं करते, वीडियो देखते हो, मज़े लेते हो, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना कमेंट्स करते हो, तो भाई क्या सीन है, कोई नाराज़गी चल रही है, तो भाई वो भी हमें बता देंगे, भाई जैक भाई ये करें वो करें। आप लोग बातचीत किया करें, कोई भी चीज़ होती है तो आप लोग मुझे बता दिया करें, ताकि इन फ्यूचर नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ को मेंशन कर दिया करूं आपके लिए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता दीजिएगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, जो कि इन फ्यूचर बहुत ही जल्द आने वाली है, वो भी काफ़ी अमेजिंग वीडियो होगी। और हाँ, इंशाल्लाह अब सून हर एक वीडियो या फिर हर एक सेकेंड वीडियो के बीच में हम एक ना एक गिव अवे ले आएंगे। और ये आप लोग ये वाला सेक्शन भी चेक करें, ये भी बिल्कुल चमक रहा है। सो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद ज़रूर से रखिएगा, चैनल पर जो बंदा नहीं हुआ चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा।